सागर के शोटेन मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल में 66वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्य के अलग अलग स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इस शुभारंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक मनीष वर्मा, सहायक संचालक आशुतोष गोस्वामी, जिला शिक्षा अधिकारी अखिलेश पाठक सहायक संचालक, भोपाल से आए लोक शिक्षण संस्थान DSO जिला अधिकारी ध्रुवे, सहायक संचालक रेणु परस्ते उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री गोपाल भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष एवं सभापति हीरा सिंह राजपूत और सागर विधायक शैलेंद्र जैन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर गोपाल भार्गव ने युवाओं को भारतीय खेलों के लिए प्रेरित किया। आप सभी का हम सारी शिक्षा विभाग की ओर से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के प्रति हमारे जिले के कलेक्टर महोदय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी का भी पुष्पहार से स्वागत करेंगे। संपूर्ण सारे शिक्षा विभाग आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मैं और राजा भोज के नाम बड़े शान और अवसर के साथ आपके सामने से गुजरते हुए मध्य प्रदेश का हृदय स्थल भोपाल, राजा भोज की नगरी, तारों का शहर भोपाल से हमारे सभी मेहमान खिलाड़ियों का आप स्वागत करें। और उसके बाद ग्वालियर, जी हाँ, तानसेन की नगरी, राजा मान सिंह की नगरी और राजधानी जबलपुर की टीम भेड़ाघाट और मां नर्मदा की गोद में बसा हुआ यह संभाग। जूडो और फुटबॉल के ये युवा खिलाड़ी सागर की पावन धरा पर पधारे हमारे खिलाड़ी और मंच के सामने सब शहडोल राजीव प्रताप सिंह के हाथ में तख्ती और शहडोल बाण सागर मंच का सौभाग्य आपके सामने से नर्मदापुरम पचपड़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और तवा डैम का सौभाग्य नर्मदापुरम आपके सामने से काफ़ी बड़ी टीम फुटबॉल के खिलाड़ी जूडो के खिलाड़ी उत्साह से भरे हुए अपने जीवन के इस ऐतिहासिक क्षण में धीरे धीरे मार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री अखिलेश पाठक जी को थी वो 2019-20 में हुई थी, लेकिन बीच में आप सबको मालूम है कि 20-21 और 21-22 दो वर्ष कोरोना काल रहा, जिसमें कोई भी खेल की गतिविधियां और प्रतियोगिताएं वो आयोजित नहीं हुई, सीमित रूप में थी और स्टेट लेवल की प्रतियोगिता लगभग दो वर्ष के बाद में 22-23 में प्रारंभ हुई है। यहां पर एक जो है 66वीं साली क्रीड़ा प्रतियोगिता 18 नवंबर से 22 नवंबर तक संपादित होना है। इसमें खेल फुटबॉल बालक 17 वर्ष एवं जूडो बालक बालिका 14 17 19 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे। फुटबॉल के लिए दो ग्राउंड निर्धारित किए गए हैं और जूडो के लिए एक सिटीजन का ग्राउंड हाल रहेगा, उसमें प्रतियोगिता संपादित होगी, जिसमें लगभग इस पावन धरा पर हमारे प्रदेश के हर संभाग के बच्चे यहाँ खेलने आए हैं। हमारे सागर शहर और जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सागर ही नहीं प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री
परम आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे सागर शहर के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जन जन के चहेते परम आदरणीय शैलेंद्र जैन साहब, हमारे जिला महानगर से कम न समझिए आप, इनको खेल के साथ साथ हमारी सागर विश्वविद्यालय घुमाए, सर हरि सिंह और की सेंट्रल विश्वविद्यालय जो घूमना चाहे उनके लिए बसें उपलब्ध करा दी जाएगी गोविंद राजपूत राजस्व परिवहन मंत्री की ओर से। अगर आप लोग घूमना चाहें तो बता दें, बच्चों को घुमाए हमारी सागर विश्वविद्यालय, जिसकी ख्याति पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छाई। मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खेलें, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, है उतने जरूरी खेलना भी। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत आपको नमस्कार करती हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय। धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निश्चित रूप से निर्बाध गति से संपन्न हो और आप सब लोग अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ आप प्रदर्शन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस आयोजन के सफल आयोजन के लिए आयोजककर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम सबके लिए खुशी की बात है कि हमारे सागर शहर में राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का, जिसमें दो खेल सम्मिलित हैं, आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजन का शुभारंभ हुआ। मैं आज के दिन अपने सभी बच्चों के लिए आशा और उम्मीद करता हूं आपसे और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप बेहतर खेल प्रदर्शन करके पूरे प्रदेश में तो अपना नाम रोशन करेंगे ही, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप लोग अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, यह मुझे पूरी आशा और उम्मीद है और उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ। देखिए, साधन हम आपको देंगे, साधक आप बनेंगे। आप लोग अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से खेलों में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। खेल सिर्फ खेल ही नहीं होते बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है और एक स्वस्थ मन में ही, जो स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ मन का भी और स्वस्थ चिंतन का विकास होता है। अस्वस्थ आदमी कभी भी स्वस्थ विचार नहीं व्यक्त कर सकता, विचार नहीं रख सकता। तो इसी कारण से स्वास्थ्य पहले जरूरी है, बाद में फिर दूसरी बातें जरूरी हैं। तो ये फुटबॉल प्रतियोगिता जो है, फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल, सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला एक ही खेल है, वह है फुटबॉल। और मुझे खुशी है कि आप सभी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ना कि अन्य दूसरे खेलों के, जूडो के खिलाड़ी हैं, ना कि अन्य कुछ खेल ऐसे हमारे देश में भी होते हैं। हाँ, तो अंग्रेज हमारे यहाँ वो क्रिकेट का खेल सिखा के गए और पूरे देश में वो क्रिकेट व्यापक रूप से चलने लगा और इस कारण से सारे नौजवान जो है, हमारी तरुणाई जो है, वो सारी की सारी क्रिकेट में व्यस्त हो गई, दूसरे खेल पीछे छूट गए। हमारा वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, जिस पर हमारा अधिकार था, वर्षों अधिकार रहा हॉकी पर हमारा, लेकिन हम पिछड़ गए क्योंकि सारे नौजवान जो हैं वो क्रिकेट में लिप्त हो गए। क्रिकेट में बड़ा लोकप्रिय और पैसा भी उसमें काफ़ी मिलता है, उस कारण से क्रिकेट, लेकिन दुनिया में क्रिकेट की कोई इज्जत नहीं है। क्रिकेट ऐसा खेल है जो ब्रिटेन के जो उपनिवेश है, चाहे वो भारत हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई न्यूजीलैंड हो, समय होते हैं आपके लिए। जैसे बड़े पब्लिक स्कूलों में होते हैं, महंगे पब्लिक स्कूल, चाहे वो इंदौर के हों, दिल्ली कॉलेज, चाहे सिंधिया जी के स्कूल हों ग्वालियर के, चाहे वो स्कूल देहरादून मसूरी के हों, ऊटी के हों, कहीं के भी स्कूल, उन स्कूलों से भी बेहतर आप सभी लोगों के लिए शिक्षा दी जाएगी और खेल कूद इत्यादि की भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आपको खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए अवसर मिलेंगे। 8 एकड़ में 10 एकड़ में जहां जैसी जगह मिल रही है हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। मेरा विभाग भी इन स्कूलों के निर्माण का काम कर रहा है और एक सहयोगी संस्था जो हमने विभाग बनाई है बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो भी निर्माण कर रही है, हमारी PIU कर रही है, कर रहा है। ये शानदार सभी प्रकार के खेल जितने भी होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारे मुकाबलों में प्रतियोगिताओं में वो सारे के सारे खेलों को 2 वर्ष के अंदर खेलने की सुविधा आप सभी के लिए मिलेगी। सागर की हमारी स्मार्ट सिटी ने बहुत ही शानदार स्टेडियमों का निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया है और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले महीनों में वह स्टेडियम पूर्णतः से सारी सुविधाओं से युक्त होकर आप सभी के खेल के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तब मुझे विश्वास है कि उन स्टेडियमों का सदुपयोग करके और आपके कोचेज जो हैं आपके शिक्षक भी जो हैं और भी आपको जो सिखाने वाले हैं या आप अपनी स्वयं की विधा से उन सब के लिए आप सीखेंगे तो मुझे लग रहा है कि सागर भी हमारा मध्य प्रदेश के और भी जो बड़े शहर हैं इंदौर और भोपाल से बेहतर हमारा निश्चित रूप से परफॉर्मेंस करेगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।